नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मंडियों में खरीद और उठान व्यवस्थाओं का जायजा लेने निकले हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में पहुंचे। यहां सबसे पहले उन्होंने मंडी में फसल लेकर पहुंच रहे किसानों से मुलाकात कर ये जानने की कोशिश की कि उन्हें खरीद और उठान में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। इसके बाद खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि के कारण खराब हुई किसानों की फसल की गिरदावरी हो चुकी है। मई माह तक सभी किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा। जहां तक खरीद और उठान का सवाल है तो बारिश और ओलावृष्टि होने से खरीद लेट होने के कारण मंडियों में अभी आवक कम हो रही है। फिर भी प्रशासनिक स्तर पर खरीद और उठान संबंधी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं ताकि किसानों को कोई परेशानी न आए। उन्होंने कहा कि फसल उठान को लेकर किसानों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। वहीं आप पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल के विरोधियों को एक एक कर भाजपा की ओर से निशाने पर लेने के सवाल पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हम किसी को निशाने पर नहीं ले रहे हैं, हमारा काम जनता की सेवा करना है। विरोधियों को चाहिए कि वो भी जनता के बीच में रहकर अपना पक्ष रखें, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना भी बेहद जरूरी है। इसलिए वे भी मुद्दे उठाएं ताकि सत्ता पक्ष चौकन्ना होकर अपना काम बखूबी कर सके। यूपी में एनकाउंटर के सवाल पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। उधर से चार लोग लेकर मैंने बांट रहा थे और आज ये रेवाड़ी की मंडी में आया। मेरा आने का मकसद ये है कि किसान भाइयों को कोई दिक्कत तो नहीं है, व्यापारी भाइयों की कोई दिक्कत है क्या, उठान हो रहा है नहीं हो रहा है, बच्चे से चल रही है चल रही है। और मोटे तौर पर यहाँ सभी ने बताया कि व्यवस्थित रूप से मंडियाँ चल रही हैं और यही हमारा मकसद है। और इस बार ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई, उसकी स्पेशल गिरदावरी हो चुकी है। मई के महीने में कि हम सबका मुआवजा देते हैं किसान मंडी। रेवाड़ी मंडी की क्या सिचुएशन देखी आपने? रेवाड़ी की मंडी तो अभी मैं जा ही रहा हूँ, अधिकारी के साथ बैठक भी किया, कुछ बैठक की है। अभी जो है उम्मीद से कम है रायगढ़ यहाँ, जब क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से लेट होगी फसल। अब ये लोग अधिकारी बता रहे हैं कि एक तेज गति से अराइवल होगी और आवक बढ़ेगी, लेकिन उठान भी नहीं हो रहा है। समस्या अभी इतनी समस्या नहीं है क्योंकि हमारा माल ही थोड़ा सा आया है, उठान के लिए पहले से तैयारी कर। सर, टेंडर देखो बेहतर कारण क्या लगता है आपको कि पहले से दे देना चाहिए था जो जरूरी चीज थी? ऐसा है कि भाई इस बार मंडी लेट चली है, बारिश भी लेट ने लेट कर दिया, 10 दिन लेट कर दिया, कोई उठान की वजह से आपकी मंडी में कोई समस्या नहीं है। एक बेहतर घंटे का दावा क्या था? मुख्यमंत्री का अभी बयान आया कि कल उनकी बेटी है। आपके भी है? तो जी जी, सभी के आपके आपके मतलब आप पार्टी से जी जी, तो वो कह रहे हैं कि विरोधियों को एक एक करके भाजपा निशाने पर ले रही है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हम कोई किसी के निशाने पर नहीं ले रहे, हमारा काम तो जनता की सेवा करना है और लोकतंत्र के अंदर जनता ही मालिक है। जनता जिसको जो ड्यूटी देती है वो सेवा करता है। और विरोधी भाई हैं, मैं तो कहता हूँ वो भी जनता के बीच में रहे, तो अपना पक्ष रखे और एक हेल्दी और लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना भी जरूरी है। अच्छा विपक्ष है और वो भी अपने मुद्दे उठाए और ताकि सत्ता पक्ष भी चौकन्ना रहे। एक यूपी का जो जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ उसमें भी विरोधी कई क्या कुछ देखिए, यूपी के बारे में जो ना तो कोई जानकारी है, मंडी वालों से पूछो तब मैं ना मेरा बहसमा है, मैं तो किसानों की मंडी फसल मुआवजा बीमा इस बारे में। थैंक यू। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।